गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 95 केंद्रों पर 25,936 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 16,279 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,657 लोग शामिल रहे, जिसमें जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज, एम्स सहित CSC और PSC पर वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 26,48,000 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं तथा मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, अपना नंबर आने पर ही वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, निकालिए भाई उसमें पेपर में जो वहाँ चौकी महिला देखो आज हमारे जनपद में 95 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल के साथ साथ में BRD मेडिकल कॉलेज, जिला महिला पुरुष और महिला अस्पताल में, हमारे संक्रामक रोग में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में के साथ साथ हमारे सभी अर्बन PSC पर और हमारे सभी रूरल PSC और एडिशनल PSC पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आज का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? आज का हमारा 38,000 का लक्ष्य है। हम डेली के लक्ष्य से ज़्यादा कर रहे हैं। कल हमारा 37,000 कुछ हमने वैक्सीनेशन किया था, तो आज भी हम वैक्सीनेशन करेंगे। जनता से हमारी अपील है कि कोरोना के प्रति लापरवाही बिल्कुल ही ना करें, मास्क लगा करके ही कहीं निकलना है तो निकलें, भीड़ भाड़ से बिल्कुल ही बचें। वैक्सीनेशन सबसे अच्छा उपाय है इस कोरोना को भगाने के लिए और इससे बचने के लिए, तो वैक्सीनेशन की जब भी आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अभी तक हमने 36,048 डोजेज़ लगा चुके हैं।